NS160 फोर वॉल्व इंजन, टू वॉल्व इंजन और N150 का डिस्क वाला वेरिएंट है, ड्यूल डिस्क। तो यहाँ पे रेडियल टायर ना ही फ्रंट वाला है ना ही रेडियल यहाँ पे रियर वाला है। सो आज अवेलेबल हो चुकी है आप सभी लोगों की चहेती बाइक। आज का वीडियो अपना रहने वाला है बजाज पल्सर N160 के बारे में। N160 का टॉप वेरिएंट ये अभी के लिए अपन लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, प्लस वहाँ पे बेस वेरिएंट भी है। ये रहा N250 और ये रहा N150। तो N सीरीज़ भी पूरा अवेलेबल है वीडियो में, आगे चल के N सीरीज़ का भी एक 360 आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस टाइप से टोटल तीन बाइक अवेलेबल रहती है N सीरीज़ में। N160 स्टार्टिंग होती है आपका N150 से और एंड होता है आपका N250 से। सो ये वाला एक सेटअप रहता है N सीरीज़ का। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है अगर N सीरीज़ की कोई भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर N160 जो कि आप लोगों की ना ऑलरेडी काफ़ी फेवरेट बाइक रहती है, काफ़ी ज़्यादा चहेती बाइक रहती है, ये बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो। और अगर जयपुर से हो या फिर जयपुर के नियर बाय रहते हो, बेसिकली बाइक आप लोगों को लेनी है जयपुर से, तो ये नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर N160 या फिर बजाज की कोई भी बाइक आप लोगों को लेना हो तो। सो ये नंबर है, इससे आप लोगों की सारी हेल्प हो जाएगी। टेस्ट राइड लेनी है किसी भी बाइक की, रेट आपको प्राइसिंग जाननी है, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट ओनली ये सिर्फ जयपुर वालों के लिए ही नंबर अपना रहने वाला है। प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो ऑन रोड जयपुर N160 का टॉप वेरियंट अपसाइड डाउन सस्पेंशन वाला कॉस्ट करने वाला है 1.69, लगभग 1,69,000 ऑन रोड जयपुर आपको कॉस्ट करता है N160 का टॉप एंड वेरिएंट। कलर्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं अभी के लिए, और आपका सबसे फेवरेट ब्लैक अवेलेबल है ही। यहाँ पे गोल्डन वाला सेटअप आ जाता है, स्टिक रिंग जो कि आप लोगों को पता ही अपडेट के साथ अभी चेंज हुआ था, इस टाइप से ही आपको यहाँ पे पल्सर मिल जाता है डार्क क्रोम में। रेड वाला यूज़ भी, वाइट का भी यूज़ है। फ्रंट मडगार्ड पे भी N160 एक गोथ्रू वाला यूज़ आ जाता है, मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमेशा से रहता ही है। रियर फेयरिंग पे आ जाती है N160 की प्रॉपर मार्किंग। टेल सेक्शन कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे मिलता है अपने को अंडर बैली एग्जॉस्ट। अब चलते हैं डिटेल्स के साथ और देख लेते हैं बाइक में क्या कुछ अवेलेबल रहेगा। इग्निशन अपना ऑन है, इग्निशन के साथ यहाँ पे कोई भी लाइटिंग सेटअप ऑन नहीं रहता, ना ही फ्रंट का और ना ही रियर का। इग्निशन के साथ आपका लाइटिंग सेटअप ऑन रहता है यहाँ पे N250 में, ये भी चीज़ देख लेते हैं। तो ये इग्निशन ऑन किया, इग्निशन के साथ इस टाइप से ये पायलट लैंप यहाँ पे ऑन रहते हैं। और एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही है, जो लुक्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं मेजरली सेम से ही लुक अपने को फ्रंट के मिल जाते हैं 150 में भी, 160 में भी और 250 में भी। तो ये वाला हेड वाला पार्ट आपका सेम ही रहेगा। लाइटिंग सेटअप यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल मिल जाता है LED में, LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प है, पायलट लैंप LED जो कि आप लोग ऑन देख ही चुके हो। ये बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे तब अपन लोग लाइट्स भी ऑन कर लेंगे। इस टाइप से कुछ LED में ही इंडिकेटर सेटअप भी आ जाता है, जैसे कि सेम आपका NS400Z में रहता है, डोमिनर सीरीज में रहता है, 250 में, N250 में रहता है, वही वाला ये सेटअप अपना रहता है। ऑन होने के बाद कुछ इस टाइप से आपका सेटअप बनेगा। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाता है, क्लच का फील भी है इस बाइक का नेक्स्ट लेवल स्मूथ और लाइट मिल जाता है। ये आपका रियर व्यू मिरर, ये चीज़ भी N सीरीज पे आपका सेम ही रहेगा। नंबर प्लेट का होल्डर है जब आपका फ्रंट हेड पे, ये आपका MID जो कि मैट ब्लैक में रहता है। बाकी ओवरऑल आपको ये मिल जाएगा पियानो ब्लैक वाला पार्ट, स्टिक रिंग के छोटा वाला यूज़, 37mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है। ये आपका ट्रेवल और सस्पेंशन है ये एंड्योरेंस का। सो इस टाइप से एंड्योरेंस का आप लोगों को पता ही है बजाज की ज़्यादातर बाइक्स में, चाहे वो लेटेस्ट लॉन्च NS400 हो, यहाँ भी एंड्योरेंस का ही सस्पेंशन है, यहाँ भी एंड्योरेंस का ही रहता है। फ्रंट ब्रेकिंग और रियर ब्रेकिंग यहाँ पे रहेगा ग्रेमिका का, ग्रेमिका ब्रेकिंग। फ्रंट डिस्क साइज़ है 300mm, 300mm राइडिंग मोड्स भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका ABS का एक बिहेवियर भी चेंज होगा, बाइक का बिहेवियर भी चेंज होता है और ब्रेकिंग का भी सेटअप चेंज होता है मोड्स के अकॉर्डिंग। 300mm का फ्रंट में डिस्क है, ग्रेमिका ब्रेकिंग, ABS ड्यूल चैनल यहाँ पे है ही, इस टाइप से फ्रंट मडगार्ड है ड्यूल लेयर वाला, बॉडी कलर प्लस मैट ब्लैक, लेग गार्ड भी गाड़ी के साथ मिल जाता है, इंजन काउल भी सेम जैसा कि आपका फ्रंट मडगार्ड था वही वाला कुछ सेटअप रहेगा। टायर का पैटर्न ये रहा, ट्यूबलेस यहाँ पे टायर है, इस टाइप से कुछ अलॉयज का आपका शेप रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग है 100 सेक्शन 17 इंचेस का, ये आपका सेटअप रहेगा अलॉयज का शेप, स्टिक रिंग, ट्यूबलेस टायर यहाँ भी है। ट्यूबलेस टायर आपको N150 में भी मिलता है, तो वो चीज़ आपका ओवरऑल ट्यूबलेस टायर ही मतलब के यहाँ पे रहने वाला है। अब आ जाते हैं अपोजिट साइड पे, ब्रेक लीवर कुछ इस टाइप से है, ये अपना थ्रोटल बार एंड मेटल में, रियर टायर और ब्रेकिंग सेटअप पहले चेक कर लेते हैं। तो रियर सस्पेंशन भी यहाँ पे एंड्योरेंस का ही है, मोनोशॉक टायर, अगर एक पार्ट टायर, अगर ड्यूल पार्ट टायर का पैटर्न पीछे का ये रहा,
रियर ब्रेकिंग यहाँ पर है 230 mm डिस्क, 230 mm का डिस्क रियर में है वही ग्रेमिका ब्रेकिंग के साथ। रियर टायर की जो ग्रेडिंग है वो है अपना 130/70/17 ये R17 नहीं है, ये रेडियल नहीं है, ये आपका रेगुलर टायर है ट्यूबलेस है, ये R17 नहीं है। सो यहाँ पे रेडियल टायर ना ही फ्रंट वाला है ना ही रेडियल यहाँ पे रियर वाला है। टायर का पैटर्न आप लोग देख ही चुके हैं, टायर अगर ये रहा टायर अगर रिमूव कर देते हैं तो टायर ज़्यादा विजिबल यहाँ पे रहता है। स्प्लिट में ये ग्रेव रेल है, स्प्लिट में ही सीट भी है, इस टाइप से कुछ टेल लुक है इग्निशन के साथ। टेल लैंप भी ऑन नहीं रहेगा, ना ही नंबर प्लेट वाला बल्ब ऑन है, बाकी ये भी ऑन करके देख लेंगे अपन लोग ना। यहाँ पर जाता है अंडरबेली में एग्जॉस्ट, दोनों ही स्टैंड आ जाते हैं, सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड, फुट पैक्स कुछ इस टाइप से हैं। रबर कवरिंग यहाँ पे नहीं है, आगे मिल जाएगा। इंजन की बात कर लेते हैं, लेग गार्ड अपन लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, किक यहाँ पे नहीं है। और पहले ये जो इंजन आता था N160 में ये रहता था अपना ऑयल कूल्ड, तो ऑयल कूलर एक रेडिएटर भी मिला करता था, बट अपडेट के साथ रेडिएटर जा चुका और ये इंजन हो चुका है अपना एयर कूल्ड। सो 164.82 cc का एयर कूल्ड इंजन यहाँ पे मिल जाता है, 2-valve 5-speed गियरबॉक्स के साथ, 16 hp का पीक पावर है और 14.65 Nm का टोटल आपका टॉर्क रहेगा। बाइक का टोटल वेट है 158 kg। सीट कुछ इस टाइप से है, कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और टाइट आपकी है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली इस कर्व की वजह से। जो कर्व है और जो हैंडल का एक प्रॉपर इस बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है ना वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। कल मैं इस बाइक को राइड भी करने वाला हूँ, राइड रिव्यू भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आ जाने वाला है। सीट हाइट यहाँ पे मिलती है टोटल 795 mm का, 795 mm का टोटल सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है आपका यहाँ पे टोटल 165 mm का, बाइक का वेट है 158 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी काउल्स की वजह से एक तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होता है, मेजरली स्टिकरिंग भी अपना यही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपका N160 में भी सेम है, 150 में भी सेम है, और 250 जो कि ये रहा 250 में भी आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी या फिर कह सकते हैं फ्यूल टैंक का शेप सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ये है आपका 14 लीटर का, 14 लीटर का फ्यूल टैंक है मेटल में, ये तीनों ही बाइक्स में अपना रहेगा। बाकी साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है, मैट ब्लैक वाला यूज़ भी है अपोजिट साइड से, एक बार चेकआउट कर लेते हैं फिर करते हैं एक बार MID को कवर और वीडियो को एंड। इस टाइप से कुछ आपका अपोजिट साइड प्रोफाइल रहेगा, साड़ी गार्ड जो कि आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, दोनों स्टैंड, सिंगल एंड में गियर लीवर 5 गियर के साथ। जो NS160 आता है ना वो अवेलेबल रहता है 4-valve इंजन के साथ, N160 रहता है 2-valve इंजन के साथ, तो ये भी एक डिटेल थी। ये रहा आपका स्विचेस का सेटअप, क्लच का फील, भाई ये वन फिंगर वाला है नेक्स्ट लेवल लाइट, इतने ज़्यादा लाइट क्लच है ना मैंने किसी भी बाइक का नहीं देखा। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइट मिल जाता है, इवन के MT15 और R15 से भी ज़्यादा लाइट क्लच N160 में मिल जाता है। 3-in-1 स्विच यहाँ है, हाई बीम लो बीम प्लस पास जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी आपका वर्किंग रहेगा। प्रोजेक्टर विथ LED काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। M का एक स्विच है, MID से रिलेटेड इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न है, हैंडल बार का शेप है उसकी वजह से राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा। राइट साइड पर जाता है किल स्विच, हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच प्लस स्टार्टर। अब कर लेते हैं बाइक को पहले स्टार्ट। सो बाइक हो चुकी है स्टार्ट, काफ़ी स्मूथ ना इसका स्टार्टअप भी है, हालांकि साइलेंट स्टार्ट नहीं है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप है। ये रहा आपका लाइटिंग सेटअप ऑन फ्रंट का, प्रोजेक्टर भी ऑन है। अब इसका जो स्विच है उससे कर देते हैं अपन प्रोजेक्टर को ऑफ। सो ये वाला लुक भी आप लोग बना सकते हो अगर दिन में चल रहे हो। ये रहा टेल लैंप और नंबर प्लेट वाला बल्ब, ये इसका ऑन नहीं है, हो सकता है ये फ्यूज़ हो गया होगा, बट ये भी आपका शायद LED में ही यहाँ पे मिल जाता है। रेव करते हैं बाइक को ना थोड़ा, तो ये थी भाई अपनी एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप और प्लस काफ़ी ज़्यादा बेसी एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे मिल जाता है। MID का स्टार्टअप तो अपन लोग देख ही चुके हैं, ये फ्यूल गेज आपका ब्लिंक हो रहा है, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, ऑडोमीटर अभी शो हो रहा है, रेन रोड और ऑफ रोड तीन यहाँ पे राइडिंग मोड्स हैं जो कि यहाँ पे शो होंगे। चेंजेस इस वाले स्विच से अपना होगा, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे आ रहा है, रीफ्यूल लेवल की वार्निंग आएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 10x10 नेविगेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस ये रहा क्लॉक, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, ऊपर आ जाता है अपना RPM मीटर, दोनों ही साइड सारी वार्निंग लाइट्स। अब ये एक बार ऑन करते हैं तो ये रहा आपका नेविगेशन वाला पूरा सेटअप भी। सो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, वीडियो ऑल डन, N150 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ही, 250 अपन लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं, और 160 ये रहा। और यहाँ पे अपने पास N160 का बेस वेरिएंट यानी कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, NS200, NS160 4-valve इंजन, 2-valve इंजन, और N150 का डिस्क वाला वेरिएंट है ड्यूल डिस्क,
ब्लैक कलर, ये रहा वाइट, वहाँ पे है ब्लैक, ये रहा। सो चलो जी करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड होप के इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो, हेल्प आप लोगों की हुई हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।